दुर्ग पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्यवाही करते हुए 140 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ एक महिला आरोपी को किया गिरफ्तार। शहर में बड़ी तेजी के साथ नशे के कारोबार को फैलता देख लगातार दुर्ग पुलिस द्वारा जमीनी स्तर पर कार्रवाई की जा रही है, जिसके बाद भी पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद अपराधी बेखौफ दुर्ग भिलाई में नशीली दवाओं की तस्करी करते देखे जा रहे हैं। हालांकि पुलिस इन अपराधियों पर नकेल कसने धरपकड़ कर रही है, लेकिन इसके बावजूद नशे के तस्कर सक्रिय बताए जा रहे हैं। इसी कड़ी में दुर्ग पुलिस को बड़ी मात्रा में ब्राउन शुगर सहित आरोपी को पकड़ने में कामयाबी मिली। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि नशे की तस्करी करने वाली एक महिला दुर्ग मठपारा निवासी रेशमा खान को ब्राउन शुगर बेचते दुर्ग कोतवाली पुलिस ने पकड़ा, जिसके पास से 140 पुड़िया ब्राउन शुगर जिसकी कीमत 14,800 रुपये बताई गई है। साथ ही महिला आरोपी के पास से 33,000 नगद जब्त भी किया गया। इसके बाद कोतवाली पुलिस द्वारा आरोपी को नारकोटिक्स एक्ट में कार्रवाई करते हुए जिला न्यायालय में पेश किया गया, साथ ही जेल भी भेज दिया गया। इस संबंध में कोतवाली प्रभारी ने प्रतिक्रिया सूचना मिली थी कि एक महिला रेशमा खान नाम की जो मठपारा की रहने वाली है, वो ब्राउन शुगर को बिक्री वगैरह करती है करके। इस संबंध में जाके टीम गठित करके वहाँ पर मैं दबिश दिए थे, जहाँ महिला के पास से ब्राउन शुगर के लगभग 40 लाख पुड़िया बरामद हुआ था और लगभग 30,000 रुपये नकदी मिला है, जिस पर से थाना कोतवाली के द्वारा जो है नारकोटिक्स एक्ट के तहत में कार्रवाई की गई है। ये लगभग 14,800 रुपये के आसपास का है और 30,000 रुपये नकद है, कुल मिला के 44,800 रुपए के आसपास का है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।